हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं फेमस गुजराती डेजर्ट जिसका नाम है श्रीखंड। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही लजीज बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीखंड बनाना। श्रीखंड बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 500 ग्राम फ्रेश दही, 4 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इस पर छन्नी रखेंगे और इस छन्नी को हमें कपड़े से कवर करना है। ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर सूती कपड़े का इस्तेमाल करना है और कपड़े की मदद से इसे अच्छे से कवर करेंगे। हमने इसे अच्छे से कवर कर दिया है। अब हमने जो 500 ग्राम फ्रेश दही ली है उसे इसमें आहिस्ता से ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से बांध लेना है। आप देख सकते हैं कि कपड़े में दही डालने के बाद हमने इसे अच्छे से बांध लिया है। अब इसके पानी को पूरी तरह निकालने के लिए इसे बेसिन के नल पर 8 घंटे के लिए लटका देंगे। अगर आप इसे बेसिन के नल में ना लटकाना चाहो तो इस तरह के एक बर्तन में इसे लटकाकर कपड़े के बाकी के हिस्से को बर्तन के नीचे दबा देंगे और इसे 8 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। आप देख सकते हैं 8 घंटों के बाद इसका पानी अच्छी तरह से निकल चुका है। अब हम इसे फेंटने के लिए एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे लगातार फेंटते रहेंगे। हमें इसे 5 मिनट तक लगातार इसी तरह से फेंटना है। यहाँ पर हमें इसे फेंटते हुए 5 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये स्मूथ होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी पीसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसकी आधी क्वांटिटी हम इसमें ऐड कर देंगे और आधी क्वांटिटी को हमने गार्निशिंग के लिए रखा है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हमें इसे लगातार 5 मिनट तक और फेंटना है। हमें इसे लगातार फेंटते हुए 10 मिनट हो चुकी है। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और इसे बढ़िया सा कलर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून केसर वाला पानी। केसर का पानी यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बनकर तैयार है हमारा श्रीखंड। हम इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व करेंगे। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है टेस्टी और क्रीमी श्रीखंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।